स्टूडेंट गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर दैट इज कार्बन कंपाउंड. दिस चैप्टर इज फ्रॉम पेपर वन एंड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द लास्ट एग्जामिनेशन सो मेनी क्वेश्चंस वी आर आस्क ऑन दैट चैप्टर. सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी सम पॉइंट. सो वॉट आर दैट पॉइंट्स let I explain. The first point is that bonds in carbon compound. Second is hydrocarbon functional group and the homologous series. Third one is chemical properties of the carbon compound. Then next is the carbon versatile elements. Then nomenclature of the carbon compound and macromolecule and the polymers. So in this chapter we are going to deal with all this point. ये सभी पॉइंट हमें इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है. ओके, बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पॉइंट्स वी नो अबाउट द डिटेल्स अबाउट द कार्बन. सो लेट्स सी. यू नो दैट कार्बन इज अ वेरी इसेंशियल एलिमेंट और वेरी इसेंशियल कंपोनेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन आवर डे टू डे लाइफ द फूड वी ईट इट मे कंटेन कार्बन और इन अवर सराउंडिंग इन एवरी मटीरियल और एवरीथिंग देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन. सो लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट द कार्बन. सो यू नो दैट कार्बन इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल सी. राइट, कार्बन इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल सी. देन इट्स एटोमिक नंबर इज 6. यू नो वेरी वेल द एटोमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6. वी राइट द एटोमिक नंबर हियर. ओके, देन लेटर ऑन the atomic mass of the carbon is 12. We write here. Okay, so C is the symbol of carbon, 6 is the atomic number of the carbon, and 12 is the atomic mass of the carbon. Okay, so carbon, you know, carbon forms lakhs of compound. Carbon bahut sare, matlab hamare periodic table mein total 118 element hai. बराबर है. अब 118 में से कार्बन एक एलिमेंट है. बराबर है, तो ये कार्बन अकेला रिमेनिंग जो भी 117 एलिमेंट है वो जितने कंपाउंड फॉर्म करता है उसके कंपैरिजन में कार्बन अकेला बहुत सारे कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है. इट मींस कार्बन फॉर्म्स द लैक्स ऑफ कंपाउंड. सो व्हाई, क्यों फॉर्म करता है कार्बन? बिकॉज इट हैज अ टू स्पेशल व्हाट इट हैज अ टू स्पेशल qualities, or it has a two special what are these two qualities? Or first is the catenation or dusri tetravalent. It's tetravalent nature. Barabar hai, tetravalent nature. Ye do property hai jiske wajah se carbon bahut sare कंपाउंड क्या करता है फॉर्म करता है. ओके, कैटेनेशन और टेट्रावेलेंट नेचर. ओके, सो ये सभी चीज़ें हम डिटेल्स में आगे जाके स्टडी करने वाले, मतलब कैटेनेशन क्या होता है और टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. लेकिन अब मतलब कार्बन इतने जो कंपाउंड फॉर्म करता है, कार्बन लैक्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट इज द कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंट नेचर. ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्बन. अंडरस्टैंड? नाउ टू चेक योर नॉलेज सम क्वेश्चंस आर गिवन हियर, दैट इज कैन यू रिकॉल. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड के टाइप्स कौन से? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैन एनीवन हैज अ आंसर? ओके, लेट्स सी. आई विल टेल यू, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड. फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड and second one is the organic compound and second one is the inorganic compound. So how many types of the compounds are there? Organic and inorganic compound. Okay, so sabse pehle hum organic compound ke bare mein baat karenge. Okay, actually organic compound matlab ye jo compound hai they are directly और इनडायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. मतलब 200 साल पहले ऐसा एक इन्वेंशन हुआ था, या 200 साल पहले ऐसा कहा जाता था कि जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी कहाँ से आते हैं? ऑर्गेनिज्म से. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म. ओके, बट रिसेंटली
रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है, और रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है या इन्वेंशन हुआ है, उसमें ऐसे बोला है कि यूरिया नाम का जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बराबर है, यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बराबर है, आपको यूरिया पता है कहाँ यूज करते हम, राइट right? तो यूरिया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर है, यूरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, ओके. सो आफ्टर दिस इन्वेंशन और आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज गॉट अ स्पेशल आइडेंटिटी, एंड व्हाट इज दैट स्पेशल आइडेंटिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज द कार्बन कंपाउंड. मतलब ये डिस्कवरी होने के बाद, मतलब यूरिया का फॉर्मेशन या यूरिया का इन्वेंशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, सो इसके बाद कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नई आइडेंटिटी दी गई है, एंड दैट इज द कार्बन कंपाउंड. तब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कार्बन कंपाउंड. दूसरी बात कि अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, बराबर है, बेसिकली जो मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो कार्बन है, बराबर है, इसलिए भी उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, कार्बन कंपाउंड. अब एक बात आपके समझ में आ गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज द कार्बन कंपाउंड बिकॉज इट्स मेन कंस्टिट्यूएंट इज अ कार्बन, राइट. अब एवरीवेयर वी फाउंड द कार्बन, इन एवरी मटेरियल देर इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कार्बन, देन लेटर ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड रादर दैन कार्बन, राइट. द मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ द मेटल्स, ग्लास, सॉइल्स, ओके, सो दैट दीज आर द मेटल्स और मटेरियल विच आर मेड अप फ्रॉम ग्लास, मेटल और द सॉइल, दे आर टर्म एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन का प्रपोर्शन बहुत ही कम है. अब इसमें कुछ, जैसे हमने, मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लियर किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंपाउंड होता है, बराबर है. अब मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बन है, ये क्लियर हो गया. लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बराबर है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद कार्बाइड सॉल्ट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, बराबर है, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट है, फिर भी ये कार्बन कंपाउंड नहीं है. इवन दो द कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, बट दीज आर नॉट द कार्बन कंपाउंड. सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, बराबर है. ये बात क्लियर होगी कि मतलब एक एक्सेप्शनल केस में, एक देखो क्वेश्चन एग्जाम में एक्सेप्शनल में पूछा जा सकता है कि विच आर द कार्बन कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, और उसमें दिया रहेगा CO2 दिया रहेगा एक ऑप्शन, बराबर है, और बाकी के अदर कार्बन कंपाउंड या अदर कंपाउंड आपको ऑप्शन में मिलेंगे. तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि सर ने बताया था कि जिसमें कार्बन है वो कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वहां पे आपको CO2 मिलता है, सी प्रेजेंट है, इसका मतलब आप उसको क्या डिक्टेट करेंगे कि इट इज अ कार्बन कंपाउंड. बट एक्चुअल है क्या, नहीं, इवन दो कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड बट इट इज अ इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, मतलब वो ऑर्गेनिक में आएगा क्या, नहीं. तो ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ओके. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सेप्शनल केस है कि कार्बाइड सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट्स है, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट अ व्हाट, दे आर नॉट अ कार्बन कंपाउंड, दे आर द इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड. अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको यहां तक, ओके. मतलब हमने अभी देखा है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड दो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर है. स्पेशली हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ये जो है बहुत ही, मतलब कार्बन का कंस्टिट्यूएंट उसमें है, इसलिए उनको कार्बन कंपाउंड बोला जाता है, राइट. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपाउंड. नाउ स्टूडेंट, वी हैव द अनादर क्वेश्चन, दैट इज, लेट्स सी, इट इज सीन ऑन द स्क्रीन. सो ऑब्जेक्ट इन एवरीडे यूज सच एज फूडस्टफ, फाइबर, पेपर, मेडिसिन, वुड, फ्यूल आर मेड अप ऑफ वेरियस कंपाउंड. अब ये जितने भी कंपाउंड्स है दे ऑल आर मेड अप ऑफ द व्हाट,
Okay, so they are various, they are made up of the various compound. So question is that which constituent element are common in this compound. अब यहाँ पे जितने भी compound आपको दिए गए food stuff है, बराबर है, जिसमें सभी type के food आते हैं, papers है, medicines है, right? So इसमें question है हमारा कि इन सभी में कौन सा common constituent element है, बराबर है, पता है आपको कौन सा कॉमन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा इसमें? यस, डेफिनेटली कार्बन इज अ, मतलब कौन सा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट रहेगा इसमें? कार्बन. सभी में क्या है बेटा? कार्बन है, राइट. इन सभी में क्या है? कार्बन इज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ऑल दीज मटेरियल. अंडरस्टैंड? उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम. टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट कार्बन बिलोंग्स. क्या क्वेश्चन है कि ये जो कार्बन, अब पीरियोडिक टेबल में कार्बन कौन से ग्रुप में है, बराबर है, मतलब व्हाट इज अवर क्वेश्चन? पीरियोडिक टेबल में कार्बन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है. अब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, राइट. उसमें पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा है, बराबर है कि नहीं? तो उसमें हमें ये सभी कंसेप्ट आपने क्लियर किए हैं कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड्स है, राइट. और टोटल 118 एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल में हमने स्प्लिट अप किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज, राइट. तो क्वेश्चन हमारा है, मतलब ये देखो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर सेकंड. You know very well, you already studied this chapter, so you know that. So can you tell me, so in which group the carbon is present? Yes, so carbon is present in the group number 14. Periodic table mein carbon kaun se group mein hai? 14 mein. Samajh mein hai? Kaun se group mein hai carbon periodic table mein? 14. Okay, samajh mein hai sabko? Okay, that's right. Then another sub question is there. Write down the electronic configuration of the carbon. चलो, अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है आपको कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, राइट? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है. अब इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? सेकंड चैप्टर में, राइट. चलो फिर भी एक बार बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पता है आपको कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्बिट, बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट कैपेसिटी, बराबर है. अब क्या होता है ऑर्बिट कैपेसिटी? ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी एक बार बता देता हूं कि हमारे पास 4 ऑर्बिट्स है, के एल एम एन, बराबर है. तो के की कैपेसिटी कौन बताएगा, पता है क्या? हाँ, यस, 2. एल की 8 है, बराबर है ना, एम की 18 और एन की 32. ओके, सो दीज आर द ऑर्बिट कैपेसिटी. अब ये कैसे निकाला जाता है ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. जैसे 2n2, ये फार्मूला है ऑर्बिट की कैपेसिटी निकालने के लिए, बराबर है. ये ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3, 4, राइट. जैसे कि पहले ऑर्बिट का कैपेसिटी आपको निकालना है, तो n मतलब 2 × पहले ऑर्बिट n का वैल्यू पुट करना है, मतलब 1 square. सो व्हाट इज 2 × 1 मीन्स 2 × 1, इट इज द 2, राइट. तो इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से हम हर एक ऑर्बिट का कैपेसिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं. ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, फिर भी एक बार, चलो भूल गए होंगे तो बता देता हूँ. ओके, तो ये सभी ऑर्बिट की कैपेसिटी है. अब ये कैपेसिटी के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इसमें स्प्लिट अप करना है. चलो हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं. क्या हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अवर क्वेश्चन? अवर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन. चलो प्लेनली मैं बता देता हूँ, फिर भी कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ कि चलो कार्बन, चलो कार्बन पे आते हैं. सिंबल सी है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है. ओके, अब ऑलरेडी मैंने एक बात आपको बताई है कि एटॉमिक नंबर, राइट, इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर एंड द इलेक्ट्रॉन नंबर. किसी भी एलिमेंट में या किसी भी एलिमेंट के एटम में, मतलब किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें रहते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रहते हैं. प्रोटॉन पता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन पता है नेगेटिवली चार्ज. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज इक्वल,
बराबर है, इसीलिए तो एटम क्या रहता है, स्टेबल रहता है, बराबर है कि नहीं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे, इसलिए एटम वो क्या होता है, स्टेबल होता है। कम ज्यादा हो गया तो वो अनस्टेबल। ओके, सो क्वेश्चन है कि वाई एटम इज स्टेबल, एटम क्यों स्टेबल रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों चीजें क्या रहती है बेटा, इक्वल, मतलब आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप बता सकते हो कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, राइट। मतलब ये तीनों चीजें क्या है बेटा, कॉमन है। अब हम कार्बन का सोचते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है, मैंने बताया कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर, 6, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। ओके, तो 6 एटॉमिक नंबर है तो डेफिनेटली उसमें प्रोटॉन भी कितने रहेंगे, 6, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 6। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते समय या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन का, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। चलो 6 इलेक्ट्रॉन है, चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, बनाना है। पहले ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 है तो 6 में से पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2। ओके, तो बचे हुए हुए कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 मतलब 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे बेटा, ये लास्ट ऑर्बिट में, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। चलो 2, 4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन, अंडरस्टैंड, समझ में आया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने ये बातें सेकंड चैप्टर में स्टडी की है, राइट। लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करके, मतलब कैसे निकालना है, ऑलरेडी आपने सभी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। ओके, तो आपको समझ में आया है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे बोलते हैं। उसके बाद 2, 4 ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अंडरस्टैंड। अब हम उस पर एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन और बाकी है कि डिड्यूस द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की हमें क्या निकलना है, वैलेंसी। चलो वैलेंसी के बारे में भी आपको पता है ना, पता है सबको वैलेंसी के बारे में। चलो वैलेंसी, राइट, हाउ वी कैन डिफाइन द वैलेंसी, कैन यू हैव द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, इट इज द व्हाट, किसे बोलेंगे वैलेंसी, इट इज द, यस, वैलेंसी मीन्स द नंबर ऑफ, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, एलिमेंट के कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी, बराबर है, ये जनरल डेफिनेशन। अब इससे पता नहीं चलता आपको कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द वैलेंसी। और सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं हम इस डेफिनेशन को, तो आपको पता है ऑलरेडी, तो सेकंड चैप्टर में हमने ये भी स्टडी किया है। तो वैलेंसी मतलब क्या होता है कि एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, गेन करता है या शेयर करता है, किसके लिए, स्टेबल होने के लिए, तो वो इलेक्ट्रॉन नंबर उसका क्या होता है, वैलेंसी। वो इलेक्ट्रॉन नंबर मतलब उसकी क्या होती है, वैलेंसी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लॉस फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट गेन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट शेयर फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल टू द अनादर एटम और अनादर एलिमेंट, राइट। सो दैट इलेक्ट्रॉन नंबर इज कॉल्ड एज द वैलेंसी, तो इलेक्ट्रॉन नंबरला काय म्हणायचं, वैलेंसी, समजलं ना तुम्हाला। इथून आपण वैलेंसी कुठल्याही एलिमेंटची फाइंड आउट करू शकतो। आपल्याला आता वैलेंसी कोणाची काढायची, कार्बनची, कार्बनची वैलेंसी कितनी है वो हमें निकालना है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द कार्बन, आपको पता है सभी। अब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, मतलब वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिलेशन है, मतलब वंस यू नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैलेंसी। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप इजीली वैलेंसी निकाल सकते हो, बराबर है कि नहीं। अब वैलेंसी निकालने के लिए चलो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, अब कार्बन क्या करता है, अब इसको इसके नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट, मतलब उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है, स्टेबल होना है, तो वो क्या करेगा, नियरेस्ट जो भी नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन वो अटेंड करेगा स्टेबल होने के लिए। तो
अब स्टेबल होने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है कि नहीं? तो ये कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की, इसमें दोनों भी पॉसिबिलिटीज। तो कार्बन क्या करता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है बेटा, वो शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के साथ, क्या करता है, शेयर, बराबर है, शेयर करता है। मतलब इसकी वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो 4। मैंने वैलेंसी के डेफिनेशन में बताया कि एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या अदरवाइज कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ शेयर करता है। तो कार्बन में कौन सी पॉसिबिलिटी है, कार्बन में वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, बराबर है कि नहीं? कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या करता है बेटा, शेयर करता है। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी डिड्यूस हुई है, 4। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अंडरस्टैंड? सो दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस, आपको पता है। तो ये दिस इज अबाउट द कार्बन, ओके, दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कार्बन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द दिस इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द कार्बन, ओके। सो दिस इज अबाउट द कार्बन। सो व्हाट वी लर्न मींस दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द कार्बन। हियर वी स्टडीड द कार्बन, देन इट्स वैलेंसी, इट्स पोजिशन इन द पीरियोडिक टेबल, देन टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ इट इज जनरेटेड। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ द कार्बन, ओके। सो इसके बाद का जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट वी विल सीन इन द नेक्स्ट पीरियड।